क्या होगा अगर हम सिप को टॉप स्पीड पर भगाकर उसका एंकर पानी में ड्रॉप कर दें? क्या सिप के दो टुकड़े हो जाएंगे या बैटल सिप मूवी की तरह सिप ड्रिफ्ट करते हुए तुरंत रुक जाएगी? देखिए, नॉर्मली तो सिप रुकने के बाद लहरों में उसे स्टेबल रखने के लिए इसे ड्रॉप किया जाता है, लेकिन हम सिप को मैक्स स्पीड 45-50 किलोमीटर पर आवर से भगाकर एंकर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। पहला, सिप के हाई मोमेंटम के कारण एंकर घिसीड़ता हुआ कई किलोमीटर तक जाएगा, और दूसरा, अगर एंकर किसी चट्टान में फंस गया तब सिप का डेक साइड बुरी तरह डैमेज हो जाएगा और चेन टूटकर सिप कई किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए प्लेनेटरी फैक्ट्स के साथ जुड़िए।